नमस्कार, मैं आपकी नेबरहुड इंग्लिश टीचर। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने इस साल गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, बट डू यू नो इट्स मीनिंग? लेट्स फाइंड आउट। गैस लाइटिंग का अर्थ होता है किसी को साइकोलॉजिकली यानी मानसिक तौर पर इस तरह से मैनिपुलेट करना कि उसे अपने ही दिमागी सेहत पर डाउट होने लग जाए, यानी गलती कोई और करे और आपको लगने लगे शायद मेरी ही हो। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कोविड के टाइम पे सरकार हमेशा कहती रही वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। मोदी जी ने इतनी बढ़िया वैक्सीन बनाई है, स्वदेशी वैक्सीन बनाई है, वैक्सीन लगाओ, सुरक्षित रहो। और जैसे ही वैक्सीन मार्केट में रिलीज हुई, बोलती रही 100 करोड़ वैक्सीन के डोज हो गए, 200 करोड़ वैक्सीन के डोज हो गए, एटसेट्रा। लेकिन जैसे ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरने वाली दो बेटियों के माँ बाप सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के लिए पहुंचे, केंद्र सरकार ने कहा मेरी गलती थोड़ी है, मैंने थोड़ी कहा था वैक्सीन लगवाने के लिए, तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि वैक्सीन वॉलंटरी है, तुम्हें रिसर्च करके जाना चाहिए था कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन में आपको लगने लगे हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, हमारी ही गलती होगी, ये हुआ गैस लाइटिंग। एक और एग्जाम्पल, 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2 महीने के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने बार बार कहा कांग्रेस ने हमें काम नहीं करने दिया, कांग्रेस की वजह से गुजरात पिछड़ा हुआ है, गुजरात की यह हालत कांग्रेस की वजह से है। अब अगर आप गुजराती हैं और आम वोटर हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा सोच ही रहे होंगे हाँ शायद हमारी ही गलती रही होगी या कांग्रेस की ही गलती रही होगी, बीजेपी सरकार ने तो कुछ नहीं किया। दैट इज गैस लाइटिंग। अंग्रेजी केवल एक भाषा है, आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं, लेकिन इस इलेक्शन आप किसे वोट देते हैं ये आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय जरूर होगा। इसलिए याद रखिए कि सिलेंडर के बढ़ते दामों से आपके घर में गैस लाइट हुई या नहीं और आप गैस लाइटिंग का शिकार हुए या नहीं। वोट वेल।